क्लास 12 वालों, कॉमन सेंस इनकम स्टेटमेंट का 2017 का क्वेश्चन कल बनाए थे। कहने का मतलब है कि नॉर्मल क्वेश्चन भी बना दे रहे हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना 44, बासु दत्ता का क्वेश्चन नंबर 44 है। और जिसके पास ओल्ड बुक है वो 304 में पेज नंबर देखिएगा। कहने का मतलब है कि ये एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का आता है। 4 मार्क्स का जो आता है 2+2 भी रहता है इसमें। कभी सी और सी एल भी निकालने के लिए रहता है, तो कभी ये भी रहता है। अगर एवरेज निकालिएगा तो 4 से 5 साल में सिर्फ एक बार कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट पूछा है, बाकी जो भी पूछा है वो पूछा है। सी एल सी एस करंट लाइबिलिटी करंट एसेट वो पूछा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग इसको भी छोड़ेंगे नहीं, एक बार करके जाएंगे। आए समझ में? तो क्वेश्चन देखिएगा आखिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो आइए क्वेश्चन में ये बोल रहा है, यहाँ देखिएगा बोला है क्वेश्चन नंबर 44, बोला है प्रिपेयर क्या करने के लिए कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। क्या बोला है? कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बोल दिया है। कौन सा ईयर में याद रखिएगा, ये वाला ईयर वहाँ दे दीजिएगा, एंड 31 मार्च 2020। कहने का मतलब है ये चीज़ को यहाँ पर दे दीजिएगा, फॉर द ईयर एंडेड कितना होगा 31 मार्च 2020। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन में क्या देखिएगा, क्वेश्चन में ये देखिएगा कि सेल्स कितना है, सेल कितना है 1,27,000, कितना हो गया 10,00,000, 10,00,000, मतलब 17,00,000 है। आलमगीर बाबू कितना दिया हुआ है 17,00,000, यानी कि सेल कितना 17,00,000। कॉस्ट ऑफ गुड सेल, अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सेल है याद रखिएगा, इससे हम लोग सेल को मैनेज करते हैं। तो कितना दिया हुआ है 9,20,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ 3,40,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है 90,000। टैक्स पेबल, ये जो है टैक्स पेबल लेस करेंगे, ये जो टैक्स पेबल है मीन्स कि टैक्स दिया कितना पे किया है 50% पे किया है। तो कहने का मतलब है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ये चीज़ जो है माइनस करेंगे, तो इसके बाद जो निकलेगा वो निकलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि इसका जो हम लोग माइनस करके 50% माइनस करके निकालेंगे, जो भी आएगा वो लिखाएगा, क्या लिखाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखाएगा। तो आइए हम लोग नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आखिरकार कितना होगा, किस पे 17,00,000 पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा, नेट प्रॉफिट टैक्स पे करने के बाद कितना होगा इस पे 17,00,000 पे। ये हम लोग बनाते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में 4 मार्क्स का रहता है। कितना मार्क्स का रहता है 4 मार्क्स का रहता है। तो आइए हम लोग बनाते हैं सब। हमेशा की तरह हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे सेल। कहने का मतलब ये बताने की चीज़ है, पर्टिकुलर एब्सोल्यूट अमाउंट परसेंट ऑफ नेट सेल है, ठीक है। तो कहने का मतलब है सेल कितना है बाबू, ए लीजिए ये ये तो कहने का मतलब है ये तो हो गया 17,00,000 लिख दिया। अब कहने का मतलब है कि याद रखिएगा इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, तो एक मिनट यहाँ पे हम लोग अगर चाहते, हम लोग के क्वेश्चन में दिया रहता कि सेल जो था ये उस रिटर्न भी हुआ है, हम लोग खरीद सेल कितना किए थे 17,00,000 का, लेकिन इसमें चेक करना होगा रिटर्न अगर है तो माइनस करेंगे, नहीं है तो लॉक कर देंगे। कहने का मतलब अगर हम लोग का रहता रिटर्न, सेल रिटर्न किया है तो हम लोग लेस करते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नहीं है तो हम लोग नहीं करेंगे, ओके। तो अब उसके बाद क्या होगा, ये सेल ही रहेगा। तो इसमें से अगर सेल 17,00,000 रहता, मान लीजिए रिटर्न किया 1,00,000,
तो 17 लाख में से 1 लाख माइनस करके 16 लाख जो रहता वो आपका नेट सेल रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं है, यहाँ पे तो कहने का मतलब है कि ये जो सेल है इसमें से माइनस करेंगे सेल रिटर्न और उसके बाद जो बचेगा तो वो आपका कहलाएगा नेट सेल। लेकिन यहाँ पे ऐसा बात नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री करेंगे, सेल है 17 लाख और कुछ नहीं दिया हो तो हम लोग लेस करेंगे। लेस क्या करेंगे तो आइए देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस लेस हुआ कितना हुआ बाबू, तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, लेस किए नाम देंगे, क्या देंगे, COST कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 9,20,000। ये हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना 9,20,000। तो याद रखिएगा ये परसेंट में पूछे नहीं क्या दीजिएगा, तो ये जो 17 लाख का है वो हमेशा 100% ही निकलता है, क्या रहता है 100% ही निकलता है। तो आइए हम लोग लिख दिए, मान लीजिए ये 100%, लेकिन लेकिन ये जो है 17 लाख है लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9,20,000 है, तो इसका परसेंट कैसे निकलेगा, यहाँ पे क्या होगा, तो वो चीज़ बताने के लिए आपको वर्किंग नोट करना होगा। वर्किंग नोट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए हम आपको दिखाते हैं वर्किंग नोट। आइए ये जाके हम लोग यहाँ पे आएंगे, तो कहने का मतलब जब यहाँ पे आएंगे तो ये आपको साफ साफ लिखा हुआ, क्या लिखो वर्किंग नोट, परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तो इसका फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय नेट सेल इनटू 100। तो याद रखिएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, तो हम लोग चेक कर लेंगे यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे देखिएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है 9,20,000। तो कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे जो है ये ऐसे किए, ऊपर में लिखे 9,20,000 और नीचे में नेट सेल है, नेट सेल मीन्स ये सेल है, ये जो दिया हुआ ऑलरेडी 17 लाख, ये चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखें, ठीक है, लीजिए लिख लिए 17 लाख इनटू फार्मूला का जो 100 था वो 100 बैठा है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे, तो आइए हम दिखाते हैं आपका क्या आता है। कहने का मतलब है 9,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1,700 5,4 कितना आएगा 5,411 ये हो गया 54.11%। ओके ये चीज़ को हम लोग यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 54.11, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये लिख दिए। अब कहने का मतलब है, तो कहने का मतलब है बाबू लोग कि ये जो हम लोग करेंगे इसको इससे माइनस करेंगे, ये हम लोग करते हैं, ये चीज़ को हम लोग माइनस किए, तो 17 लाख में से 9,20,000 माइनस करेंगे, 17 लाख में से 9,20,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचता कितना हम लोग देखते हैं, जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7,80,000, ठीक है, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45.88। कहने का मतलब है 100.100 माइनस 45 करेंगे तो कितना आएगा 54, ठीक है, तो ये माइनस कर दिया। अब कहने का मतलब है ये जो माइनस करके आया इसका कुछ नाम होगा, तो क्या नाम होगा, तो इसका नाम होगा जीपी, क्या नाम होगा, इसका नाम होगा जीपी, जीपी मीन्स क्या होता है, जीपी मीन्स होता है ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट ये हुआ। अब कहने का मतलब है क्वेश्चन में ठीक से देखेंगे क्या क्या लेस करना है, ई ग्रोस प्रॉफिट से क्या क्या लेस करना होगा, ध्यान से देखेंगे, तो ध्यान से देखेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट से माइनस करना होगा ऑपरेटिंग
एक्सपेंस क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे एकदम प्यार से लिखेंगे, लेस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेस, क्या लिखेंगे, लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लीजिए लिखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना था। तो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट दिया हुआ है एक्सपेंस कितना दिया हुआ, 340,000, ठीक है, 340,000 दिया हुआ। अब ये जो 340,000 दिया हुआ है, तो हम बार बार वर्किंग नोट आपको भी करने की जरूरत नहीं है और हम भी नहीं करेंगे, कैलसी में काम करिएगा। ऐ रखिए, ये रखा आपका कैलसी, ठीक है, ये कैलसी रखने के बाद ऐ लीजिए, लिए क्या लिखेगा, ये 340,000 को लिखेगा यहाँ पे 3400 इंटू किससे करिएगा, 100 से करिएगा, ठीक है, और डिवाइड किससे करिएगा, इस 17,00,000 से करिएगा। ए लीजिए डिवाइड किए और लिखे यहाँ पे 1700, ये आके आंसर आएगा का आएगा 20% आएगा, का आएगा 20%, चुपचाप ये लिख दें, चुपचाप ये क्या लिख देंगे 20%। ये परसेंट यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, ऐसे हम लोग दे दिए हैं, नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। तो कहने का मतलब ये 20%, समझ में आया कैसे, फिर से करें एक बार ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम लोग का किए हैं कि 340,000 लिखे इंटू किससे किए, 100 से, और डिवाइड किससे करेंगे, ये वाला से, इससे सबको डिवाइड करेंगे तो कितना है, 17,00,000 है, तो आएगा कितना 20%। तो आइए इस तरह से हम लोग निकालिए, आप कहने का मतलब माइनस करेंगे, तो आ लीजिए हम माइनस कर रहे हैं, ये हुआ, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7,80,000 में से 340,000 को घटेगा तो कितना बचेगा, तो आप बोलिएगा 4,40,000 बचेगा। आ लीजिए लिख दे रहे, जब आप बोल रहे हैं अली बाबू बोल रहा है कि 4,00,000 कितना बचेगा, 40,000, तो देखिए अली बाबू का बात ना काट के 4,40,000 लिख दिया। अब कहने का मतलब है कि इसको इससे माइनस करिएगा तो क्या आएगा, 2588, ये आया इससे माइनस किए तो, क्लियर है। लेकिन कहने का मतलब है कि अली अभी पूछ रहा है कि इसका क्या नाम देंगे, तो इससे नाम देने से पहले ये बोलना चाह रहे थे कि ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग का सिर्फ क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, अगर चाहते तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एक्सपेंस दिया रहता तो माइनस करते, अगर इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी एक्सपेंस दिया रहता तो भी माइनस करते, अगर इसमें फाइनेंशियल एक्सपेंस भी दिया रहता तो माइनस करते हैं। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसमें क्या क्या आएगा याद रखिएगा, एक आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दूसरा आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंस, तीसरा आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या आएगा, फाइनेंशियल एक्सपेंस। कहने का मतलब है कि सब खर्चा किससे माइनस हो जाता, इससे माइनस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हम लोग को ज़्यादा नहीं दिया हुआ, एग्जाम में 4 ही मार्क्स का रहेगा तो ज़्यादा नहीं दिया हुआ, जब 4 मार्क्स का कितना बड़ा करेगा, तो हम लोग को एक एंट्री दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, याद करिएगा 2017 में हम बनाए थे उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस पूछा था, वो माइनस किए थे 2017 वाला पेपर में, क्वेश्चन जो था ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग माइनस जो किए थे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस की जगह का था एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस था, यहाँ पे हम लोग का ऑपरेटिंग एक्सपेंस पूछा, माइनस कर दिए। अब माइनस किए तो ये 4,40,000 जो आया है इसका नाम हम लोग देंगे, क्या नाम देंगे, आपस में बात करके देंगे, नहीं, जो आपका रूल में दिया हुआ वो दीजिएगा, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बोला जाता है। तो आइए हम लोग करते हैं, कहने का मतलब ये है जैसे हम लोग बना रहे एकदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, नहीं समझ में आएगा कल ट्यूशन में आके एक बार और अच्छे से समझ लीजिएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे इसका नाम दे देंगे, क्या नाम देंगे बाबू, तो इसका नाम देंगे, एकदम प्यार से लिखिएगा, ऑपरेटिंग
नेट प्रॉफिट। कहने का मतलब है कि ये जो आएगा इसका क्या नाम रहेगा, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद इस क्या करेंगे, इसके अनुसार करेंगे। कहने का मतलब है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट में हम लोग का दिया हुआ कुछ वो देख लेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ क्वेश्चन में, ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ना उसको आम भाषा में बोला जाता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल के उसको ऐड किया जाता है, ये इसमें ऐड होता है। तो कहने का मतलब है ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो एकदम प्यार से लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐड। याद रखिएगा इसका जो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको आप क्या लिख के दिखा दीजिएगा, लिखिएगा इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो कहने का मतलब है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ है, 90,000 दिया हुआ बाबू, कितना दिया हुआ है, 90,000 दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ई जो है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखिएगा यहाँ पे 90,000, ठीक है। ये जो 90,000 आया वही तरीका रहेगा, क्या तरीका रहेगा, इस 90,000 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, देखिए 90,000 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, 17,00,000 से। तो जो आएगा कितना आएगा, तो याद रखिएगा 5.29% आएगा, कितना आएगा 5.29, ये जो है 5.29%। उसके बाद ऐसे के किए, ठीक है, इसको ऐड करेंगे। तो इसको जो ऐड करेंगे तो का नाम आएगा, कुछ नाम आएगा, इसको ऐड करेंगे पहले कितना होगा, 5,30,000, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा, 31.17, ये परसेंट है। तो कहने का मतलब इसका एक नाम है, इसका क्या नाम है, इसका नाम देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या देंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। याद रखिएगा ये ऐड किए थे, अगर कहीं माइनस करना होगा इसमें तो हम लोग माइनस भी कर सकते थे। इसमें क्या था, ऐड करना था, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करना था तो ऐड कर दिए, लेकिन अगर इसमें माइनस का रहता तो हम लोग माइनस भी करते लेस लिख कर, याद है। तो अभी हम लोग का इन्वेस्टमेंट पे आया था इंटरेस्ट, हम लोग ऐड किए थे। दूसरा क्वेश्चन में अगर माइनस होगा तो हम माइनस करके समझा देंगे। तो ये जो इसका आया है इसका नाम है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या है, अल्फाज बोल रहा है कि सर इसका जो है नाम लिख दीजिए, भूल जाएंगे, तो चलिए हम लिख दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है, अल्फाज बदमाशी ने, तो कहने का मतलब है यहाँ पे ऐ लीजिए हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे एकदम साफ साफ लिखिएगा, क्या लिखिएगा, लिखिएगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। इसका नाम दिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें टैक्स पे करने के बाद माइनस करेंगे, अब माइनस करके जो आएगा उसका नाम रहेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो क्या, चलिए हम बनाते हैं आगे का। तो कहने का मतलब है कि ये हो गया आपका क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, टैक्स पेबल कितना परसेंट, 50%। तो आइए हम लोग देते हैं। तो कहने का मतलब है आप यहाँ पे लिखिएगा लेस, क्या लिखिएगा, लेस टैक्स पेबल कितना परसेंट, 50%, ओके। तो ये जो 50% है, तो कहने का मतलब है बाबू लोग ये जो है टैक्स पेबल 50% इस पर निकालेंगे, ठीक है। इस पर जो निकालेंगे तो ये आपके सामने में हम निकाल के दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये जो है आपका, गौर से एकदम देखिएगा, 5,30,000 है इंटू 50% बोला है ना, तो देखिए 5,30,000 इंटू 50 ये परसेंट कर देंगे, कितना आया, 2,65,000, कितना, 2,65,000 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, कितना लिखेंगे, 2,65,000, ठीक है। तो
265,000 का परसेंट कैसे निकलेगा, आइए दिखाते हैं हम कैसे निकलेगा। यहाँ पे परसेंट लिखेंगे तो ये जो लिखने के लिए हम लोग को लिखना होगा 265 इंटू 100 डिवाइडेड बाय यही लेंगे 17,00,000 लीजिए। जो आएगा वो हम लोग लिख देंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 15.58 यानी के 15.58%। उसके बाद इस तरह से हम लोग लाइन खींचेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करके क्या आएगा 265 शून्य क्या आ जाएगा 15.58%। तो कहने का मतलब है ये जो आएगा ये हम लोग का लास्ट आंसर रहेगा। और आंसर में क्या लिखाएगा, आंसर में लिखाएगा कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हो गया यहाँ पे बात आफ्टर टैक्स, तो ये जो प्रॉफिट निकल रहा है ना तो इसमें मेंशन भी हो रहा है नेट प्रॉफिट क्या होगा, नेट प्रॉफिट उसमें मेंशन करिए क्या करिए आफ्टर आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हो गया हम लोग का आंसर। कहने का मतलब बाबू लोग जिसको भी कोई प्रॉब्लम हुआ है कल आकर सामने में पूछ लीजिएगा और इसी तरीके से सब सम बनेगा, आप लोग कोशिश करिएगा बनाने का, बाकी फिर हम बना देंगे। क्लास 12 वालों, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट क्या है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। इससे पहले हम लोग इक्विटी शेयर, कहने का मतलब है करंट एसेट करंट लायबिलिटी इस टाइप का बनाए थे, लेकिन एक साल 2017 में, कब 2017 में हम लोग को कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट दिया था ईयर पेपर में। ईयर पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 2017 का पेपर देखिएगा, इसमें क्या बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर, क्या बोला है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेल कितना है आपको दे दिया, सेल है, कॉस्ट ऑफ गुड सेल लेस भी करके दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है, फिर उसके बाद लेस क्या बोला है एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंस भी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोला है, लेस करके फिर क्या बोल रहा है कि 40% टैक्स भी लेस करिए, उसके बाद आफ्टर प्रॉफिट मतलब कि आपको टैक्स देने के बाद क्या प्रॉफिट रहा वो भी दिया हुआ है। ये सब करने के बाद हम लोग को क्या बोला है कि आप कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट निकालिए। तो आइए हम लोग निकालते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। हम लोग क्या लिखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, यहाँ पे लिखेंगे सेल, ठीक है, दिया हुआ यहाँ देखिएगा, हम लोग सेल लिखेंगे, कितना है एब्सोल्यूट में लिखेंगे इसमें, सात लाख है, ओके। कितना है सेल कितना दिया हुआ है 7,00,000, आप कहने का मतलब इसका तो आपको परसेंट निकालिएगा तो कितना निकलेगा 100% निकलेगा। ये वाला निकालने में कोई झमेला नहीं था, ये वाला निकालने में कोई झमेला नहीं था, इसका 100% रहेगा, डायरेक्ट निकाले तो इसका 100% हुआ। लेकिन इसमें से जो सेल था नेट सेल उसमें से बोला गया, क्या बोला गया लेस करने के लिए, क्या लेस करने के लिए CGS का क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये लेस करते हैं हम लोग, एकदम प्यार से लिखिएगा, क्या लिखिएगा लेस, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना किए
4,20,000, ये लिखे 4,20,000, ठीक है। अब कहने का मतलब ये 4,20,000 जो है ये तो लिख दिए, अब इसका परसेंट कैसे निकलेगा? तो याद रखिएगा, इसका परसेंट निकालने के लिए तरीका ध्यान में रखिएगा, वही तरीका बार बार अमल करिएगा, बार बार उसी पे एक्ट करिएगा। किस तरह से, देखिए ये 4,20,000 को ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, डिवाइडेड बाय 7,00,000, ये हम करके आपको दिखाते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ देखिएगा, वर्किंग नोट है, हम लोग वर्किंग नोट कर रहे हैं, परसेंट कैसे निकाला जाता है। देखिए परसेंट ऑफ CGS लिखें, ठीक है, CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हम लोग परसेंट निकाल रहे हैं, तो ऊपर में क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय नेट सेल, ठीक है, बाय नेट सेल इनटू 100। याद रखिएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है ऊपर में, ये चेक करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 4,20,000, ये चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 4,20,000 बाय, यहाँ पे देखिए नेट सेल कितना है हम लोग का, देखिए नेट सेल कितना है हम लोग का, नेट सेल है आपका 7,00,000, ये चीज़ को हम लोग यहाँ लिख दिए, तो 7,00,000 लिखे, ओके, इनटू क्या करेंगे ये फॉर्मूला का, वैसे लिख देंगे। तो याद रखिएगा ये चीज़ जो है हम लोग आँख के सामने में दिखा रहे हैं आपको, ये जो है इसको जब आप करिएगा ना, तो ये रहा 4,20,000, क्या है ये चीज़ को जो हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 4,20,000 इनटू, ठीक है, इनटू 100 और डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, 7,00,000, ऐ लीजिए कितना आया, 60% है, तो ये जो हम लोग का रहेगा यहाँ पे क्या आया, 60% आंसर आया। तो ये 60% कहाँ पे लिख देंगे हम लोग, 60% को यहाँ पर लिख देंगे। मेरा बात समझ में आया, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये जो 6% था यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाएगा यहाँ पे, 60% हो जाएगा। ये आया कहाँ से, 60% समझ में आया, याद रखिएगा ई 4,20,000 को इनटू किससे करेंगे, 100 से करेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे, 7,00,000 से, ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे, ठीक है, तो ये लीजिए हम लोग खींच दिए, ये जो लाइन खींचे, उसके बाद याद रखिएगा क्या निकालना है, उसके बाद हम लोग निकालेंगे इसमें से, हम लोग इसमें से क्या निकालेंगे, इसमें को इससे माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, GP निकलेगा। तो याद रखिएगा इसको जब इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2,80,000, क्या आएगा, 2,80,000, और 100 में से 60 जाएगा कितना परसेंट होगा, 40%, ठीक है, कितना होगा, 40% होगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो निकला क्या निकला, GP निकला, GP को क्या बोला जाता है, ग्रॉस, GROW, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 2,80,000 आ गया। अब कहने का मतलब है, क्वेश्चन में दिया हुआ था लेस करने के लिए क्या, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस, इसको हम लोग लेस करेंगे, तो आइए हम लोग लिखते हैं, लेस सेलिंग एक्सपेंस कितना है, ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया 70,000 है, ओके, ये 70,000, अब 70,000 का आपको पता होना चाहिए परसेंट किस तरह निकालेंगे, तो आइए हम दिखाते हैं, गौर से देखिएगा ये मोबाइल में, ये देखिए यहाँ पे कैलसी में कैसे करते हैं, आपका 70,000 लिखें, इनटू किससे करेंगे, 100 से करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, याद रखिएगा किससे करेंगे, आपका नेट सेल जो दिया हुआ कितना दिया हुआ, 7,00,000, कितना आएगा, 10% आएगा, कितना आएगा, 10%। मेरा बात समझ में आया कैसे निकला, याद रखिएगा ये निकल रहा कैसे, ध्यान दीजिए ये वाला 70,000 लिखे, फिर से बता रहे, ये 70,000 लिखे, इनटू किससे करेंगे, 100 से कर दिए, उसके बाद डिवाइड किससे करेंगे, तो ये वाला से करेंगे,
ये जो आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नेट सेल, इसको डिवाइड करेंगे, ये देखिए डिवाइड किए 7 लाख, ये जो आया है 10, ये 10 यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये परसेंट रहा, आया समझ में। आप कहने के बाद इसको फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे, तो ये जो ऐसे के ए लीजिए लाइन खींच दिए, अब 280,000 में से 280,000 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 210,000 आएगा, ठीक है। और ये 40 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 30%। अब कहने का मतलब नेक्स्ट स्टेप करेंगे, अब ये जो आया है इसका नाम दें, कुछ नाम है, ये क्या नाम है, आइए हम बताते हैं। ये जो 210,000 है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये क्या है, इसमें टैक्स अभी नहीं दिया हुआ, बिफोर, पहले, तो आइए टैक्स माइनस लिख देंगे, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, और उसके बाद जो हम लोग निकालेंगे वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, जब टैक्स लेस कर देंगे तब, तो अभी क्या इसका नाम है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना, 210,000, ये 10%, आइए हम लोग दिया हुआ था 40%, कितना परसेंट है, 40%, तो लेस करते हैं, ये हम लोग लेस करते हैं, लेस क्या लिखेंगे हम लोग, टैक्स 40%, टैक्स कितना 40%, ऐ देखिए बताने की जरूरत नहीं, आप लोग को पता है, फिर से एक बार देख लीजिएगा, ये जो बोला है क्वेश्चन में कि टैक्स कितना 40% दे रहा है, कितना दे रहा है बाबू लोग, टैक्स 40% दे रहा है, तो ये जो 40% निकल रहा है कैसे, ये हम बता रहे हैं आपको, ये कैलसी रखे हैं इसे, ये देखिए ये जो कैलसी रखे हैं, तो कहने का मतलब है कि 40% किसका, 210,000 का, ये लिखे 210,000 इंटू 40% का बटन दबाइएगा, कितना आएगा, आपको साफ साफ नज़र आ रहा है 84,000, कितना आया 84,000, तो कहने का मतलब ये आप इसके सामने लिख दिए, ए लीजिए 84,000, ये जो निकला तो इसका परसेंट कितना हुआ, तो परसेंट के लिए ये हम बताते कैसे परसेंट निकालना होगा, ये 84,000 को क्या करेंगे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे, वही पुराना कहानी, 7 लाख से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये जो आएगा 12, आपका ये परसेंट हो गया, ओके। तो कहने का मतलब है कि इसको फिर हम लोग माइनस करेंगे, आप जो ये माइनस करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, तो आइए हम बताते क्या आएगा माइनस करने के बाद, जब इसको माइनस करिएगा 210,000 से 84,000, तो यहाँ पे आएगा 126,000, ठीक है, 126,000, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, तो इसका नाम क्या रहेगा, क्योंकि टैक्स आप दे चुके हैं, जब टैक्स दे चुके हैं तो इसको रहेगा लिखाएगा, क्या लिखाएगा, प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर टैक्स, क्या लिखाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हम लोग का निकल गया, ये 2017 में आया है, कब आया है, ये 2017 में ईयर क्वेश्चन है आया है, आप लोग इसी तरीका से सम दो चार प्रैक्टिस करके इस बार जाइएगा, मे बी इस टाइप का दे सकता है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, हम लोग हर तरह से तैयार रहेंगे, किसी भी तरीके का आएगा बनाने का पूरा कोशिश करेंगे, चाहे वो कॉमन साइज हो या कंपरेटिव बैलेंस शीट हो, किसी भी तरीके का रहेगा बना लिया जाएगा, कल बना कर लीजिएगा इसको, नेक्स्ट बताएंगे नेक्स्ट क्लास में।